तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, और आज हम ट्राई करने वाले हैं एक नया गेम जिसका नाम है कॉन्ट्राबैंड पुलिस सर्च एंड सीज। अब आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी क्योंकि मेरे को सर्दी हो चुकी है, वो गणेश चतुर्थी के टाइम पे थोड़ा सा नहा लिया था, बारिश की में भीग गया तो उसकी वजह से सर्दी हो चुकी है फिलहाल। तो ये एक आदमी आ चुका है, इसका जो है हमें कागज़ वगैरह चेक करना है, और इसका शायद से जो है नाम गलत है, तो ये मैंने नाम का कट लगा दिया। ओके अब क्या, अच्छा फिनिश इंस्पेक्शन, इसका बस नाम ही चेक कर रहे हैं, गाड़ी कब चेक करूँगा। कॉन्ट्राबैंड पुलिस मतलब मैं एक तरीके से पुलिस वाला हूँ जो यहाँ पर गाड़ियों की तलाशी ले रहा हूँ। तो ये पीछे गया, ओके मतलब अगर कुछ रेगुलेशंस वगैरह गलत होंगे तो मुझे उसे वापस भेजना होगा। अब ज़रा वेट करते हैं, ये लो दूसरी वाली भी गाड़ी आ गई। ओके अब इसका क्या करना है, ये ठीक है, आजा भाई अंदर, तेरी भी थोड़ी सी तलाशी लूँगा मैं। अब इसकी गाड़ी का अच्छा टायर और बाकी की सारी चीज़ों में जो है कुछ छुपा सकता है, मतलब जहाँ पर ये सांप का आइकन आता है वहाँ पर कुछ ना कुछ इसने छुपा रखा है जो कि तस्करी करके स्मगल करके लेके जा रहा है। ओके समझ गया। अब इसकी सबसे पहले ड्राइविंग सीट पे जो है बैटरी मार के चेक करेंगे, और ये सीट के अंदर क्या छुपा रखा है इसने। अच्छा ओके मिल गया, अब इसको निकालूंगा कैसे मैं। ओके इस पर क्लिक करा, अच्छा मेरे पास चाकू भी है तो ठीक है, ज़रा इसको काट के देखते हैं। वाह टोबैको। ओके तो ये अपने स्टोरेज में जा चुका है, अपने पुलिस वाली स्टोरेज में, तो यहाँ से शायद से मेरे को कोई और उसको भेजना होगा आगे के हेडक्वार्टर्स में। ठीक है तो ये तो जाएगा अरेस्ट होने के लिए। अब इसके अंदर ओ हो ये क्या है रे बाबा, पैसा इतना सारा, तो ये पैसा भी अपने को मिल चुका है। ओके अब इसकी गाड़ी में भी चेक करना पड़ेगा क्या, फिनिश इंस्पेक्शन, जा बेटा जेल। ओके तो ये जेल जा चुका है। अच्छा तो अब ऐसे ही मेरे को जो है गाड़ियों की थोड़ी सी तलाशी वगैरह लेनी पड़ेंगी, लेकिन ये क्या है अपने स्टोरेज, अच्छा तो ये स्टोरेज से मुझे वहाँ पे भेजना है और उसके लिए टाइम भी लगेगा, वाह 45 मिनट पौना घंटा लगेगा ऑफिस से उधर कॉन्ट्राबैंड शिफ्ट करने के लिए, तब तक मैं कोई कॉन्ट्राबैंड वहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकता, और फिलहाल तो बस इतने ही दो की स्टोरेज है। स्किप ठीक है कर लेते हैं, स्किप जाने दो। अब ये ट्यूटोरियल में ऐसे ही होता है भाई, हम हमारी इच्छा नहीं होती हुए भी करना पड़ता है इस क्या बोलते हैं डायमंड खर्च करना पड़ता है। अभी इतना बड़ा ट्रक आ चुका है, बापरे कहाँ क्या क्या छुपाया होगा इसने। तो अब ये ट्रक को भी मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी, सबसे पहले इसके अंदर का सामान, तो डॉक्यूमेंट्स, अरे पहले सामान का ट्यूटोरियल दिखाते हो बाद में डॉक्यूमेंट्स, ठीक है डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स तो इसके ठीक है। अब इसके अंदर अब क्या रेगुलेशंस हैं, तो इसकी गाड़ी वगैरह तो मेरे को कुछ चेक करने को दिए नहीं, सीधा बस इसका कार्गो और इसके डॉक्यूमेंट्स बस इतने चेक करने के लिए दिया, जा भाई तू। चलो इसके पास कुछ भी नहीं कॉन्ट्राबैंड था, ठीक है मेरी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे जो है यहाँ पर रहकर ये तस्करी को रोकना है। अच्छा ये अपने डेली क्वेस्ट है, करियर क्वेस्ट और डेली क्वेस्ट, इनको कंप्लीट करके पैसा मिलेगा। ये लो एक और ट्रक आ गया। चलो अब ट्यूटोरियल नहीं, अब खुद जो है मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। स्टार्ट इंस्पेक्शन, सबसे पहले जो है गाड़ी को पहले इंस्पेक्ट करेंगे, कागज़ बाद में देखेंगे। बैटरी से पहले टायर चेक करता हूँ, टायर के अंदर कुछ छुपा तो नहीं रखा है, इसके फ्रंट बम्पर में कुछ रखा है, टायर में नहीं कुछ भी नहीं, इस टायर में कुछ भी नहीं है, कुछ है यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। अब ये कुछ फ्यूल जैसे कोई, ये कोई इंसान टैंक है पता नहीं, ये इस टायर में भी कुछ भी नहीं है, पीछे चलो पीछे के इसके अंदर भी कुछ नहीं है। अब ज़रा गलती से इधर आ गया, ठीक है अब, अच्छा ये मेरी बुक है ट्रेनिंग बुक, यहाँ पर कुछ है क्या ड्राइविंग सीट के पास, आई ये क्या है, अच्छा वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये वैसे ग्लिच है जो बाद के अपडेट में फिक्स हो चुका है, तो अभी ऐसा जो अभी दिख रहा है तो उसको टेंशन मत लो, अभी के अपडेट में अभी अगर खेलोगे तो कुछ नहीं होगा इसमें, सीधा डायरेक्टली जो है ये
कैच कर लेगा। अभी एक ग्लिच था पहले के अपडेट में, जब गेम आया था तभी खेला था, नए अपडेट में फिक्स हो चुका है और कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो चुकी है। खैर अभी इसके कागज़ वगैरह चेक करता हूँ। अरे भैया ये अभी का ग्लिच क्या करूँ मैं, साला मैं खोल ही नहीं पाया। ओके अच्छा जी इधर क्या है, अल्कोहल। अरे उसको तो मैंने डाला ही नहीं। अच्छा ये भी लो, चलो इसे चाकू से मैंने तोड़ दिया। अब इसके अंदर क्या है, अल्कोहल, इसके अंदर भी अल्कोहल, वाह। स्टोरेज में डाल क्यों नहीं रहा मैं, प्लेस इन स्टोरेज। ओके ये भी हो गया प्लेस इन स्टोरेज। अब इधर कुछ नहीं है, जा भाई अरेस्ट। मच 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 लेटर। तो फिर मैंने अपना पूरा का पूरा चेक पोस्ट जो है अपग्रेड कर चुका हूँ मैं। मैक्सिमम लेवल 8 या 9 तक का ही होता है, सब कुछ अपग्रेड कर चुका हूँ रोड से लेके सब कुछ। लेकिन इस गेम की एक दिक्कत है कि आप इसको कंटिन्यूसली नहीं खेल सकते। एक गाड़ी आने के बाद 5-10 मिनट के बाद एक और बाद में गाड़ी आती है, तब तक कोई गाड़ी आती नहीं है। और डेली लिमिट्स होती है 7 गाड़ी 8 गाड़ी, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आती। मतलब एक दिन में सिर्फ 7 ही गाड़ियों को तुम चेक कर सकते हो। तो अभी ये कुछ ये भी गाड़ी है जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, वरना मैं इसको वरना डेली लिमिट ख़त्म होने के बाद मैं गाड़ी चेक नहीं कर सकता। मतलब इस गेम को कंटिन्यूस खेल ही नहीं सकता भाई, कंटिन्यूस इस गेम को खेल ही नहीं सकता, क्या मतलब है भाई साहब। और अब जो मेरे पास इतना सारा पैसा है मैं इसका क्या करूँ, ये मेरे को कॉन्ट्राबैंड बेच के सब कुछ जो मैंने कमाया है मैं अब इसका करूँ क्या, आगे तो कुछ मेरे को सूझ नहीं रहा। हाँ बस इसके अंदर अलग अलग जो है रेगुलेशन आते हैं, उस हिसाब से आपको मिशंस करने होते हैं। मतलब कभी कभार वैक्सीनेशन का इशू, वैक्सीनेशन अगर किसी ने करा तो ही भेजो, या फिर कभी कुछ और। तो ऐसे इसके अंदर चीज़ है। और वक्त के साथ नए व्हीकल्स भी आ चुके हैं, फिलहाल भी नए व्हीकल्स आ चुके हैं। और ये अपडेट के बाद का चीज़ है, ये अपडेट के बाद में बाद की क्लिप है। तो उस वजह से इसके अंदर सैंड है, एक्स्ट्रा कैबिनेट्स वगैरह है, और इंजन का भी ऊपर का जो फिल्टर वगैरह जो कुछ होता है उसको भी हम खोल के देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलूँगा आपसे ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।